हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विशाल और आज हम सीखने वाले हैं कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट पर का एक केस जिसका नाम है एलडी डी जायकवाल स्टेट ऑफ यूपी केस के डिटेल्स और साइटेशंस इस स्लाइड में दिए हैं सो फैक्ट्स ऑफ द केस ऐसे है कि देहरादून में एक एलडी डी जायकवाल नाम के सीनियर एडवोकेट थे तो उनका एक क्लाइंट था जो अंडर सेक्शन फाइव टू ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अक्यूज था उनका केस स्पेशल uh, कोर्ट में चल रहा था तो लर्नेड स्पेशल जज जो थे उन्होंने एल डी जायकवाल साहब को सबमिशन के लिए अपेयर होने को कहा वेनी अपेयर्ड फॉर सबमिशन सो ही अपेयर्ड इन शर्ट एंड ट्राउज़र जो कि प्रिस्क्राइब कोर्ट अटायर नहीं था वेल अपेयरिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी तो जो लर्नेड जज थे उन्होंने एल डी जायकवाल को बोला कि आप जाइए और प्रॉपर कोर्ट के अटायर में वापस आइए तो बिकॉज जज ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाने के लिए तो एल uh, डी जायकवाल जो है वो बहुत गुस्सा हुए और कोर्ट से बाहर निकल गए तो उनकी जगह पर कोई और एडवोकेट अक्यूज के बिहाफ पर कोर्ट में अपियर हुए तो जो लर्नेड जज थे उन्होंने अपना जजमेंट डिलीवर किया तो उसमें उन्होंने जो अक्यूज़ था अंडर सेक्शन फाइव टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट उसको चार साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट इम्पोज किया आइडियली इस केस में अगर स्पेशल जज अपना वर्डिक देते हैं तो एलडी डी जायकवाल या फिर उनके क्लाइंट उनके पास में ऑप्शन था कि वो उस डिसीजन के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में अपील करें और एज़ फार एज स्पेशल कोर्ट वॉज कंसर्न वो मैटर वहीं ख़त्म हो जाता है स्पेशल कोर्ट के लिए लेकिन एलडी डी जायकवाल बिकॉज वो काफ़ी हर्ट हुए थे ही फेल्ट इंसल्टेड इसलिए उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया स्पेशल जज के पास और उस एप्लीकेशन में रिटर्न एप्लीकेशन में उन्होंने काफ़ी इंसल्टिंग लैंग्वेज में उस जज के ऊपर चार्ज लगाया उनके ऊपर इम्प्यूटेशन किया और उनको करप्ट जज या फिर ही वॉज़ कंटेमिनेटिंग द सीट ऑफ जस्टिस इस तरह के एलिगेशंस लगाए अगर हम उनके एप्लीकेशन के एग्जैक्ट वर्ड्स पढ़े तो वर्ड्स थे आई एम मेकिंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू टू द हाइस्ट अथॉरिटीज इन द कंट्री दैट यू आर करप्ट एंड डू नॉट डिजर्व टू बी रिटर्न इन द सर्विस द अर्लियर पीपल लाइक यू आर बंडल्ड आउट ऑफ द ऑफिस इज बेटर फॉर ऑल ऑफ अस एज फार एज क्वांटम ऑफ सेंटेंस आई विल नेवर बाउ डाउन बिफोर यू यू मे अवॉर्ड द मैक्सिमम सेंटेंस एनी वेज यू शुड फील अशेम्ड ऑफ यूर सेल्फ दैट यू आर कंटेमिनेटिंग द सीट ऑफ जस्टिस अभी ये जायकवाल साहब ने गुस्से में एप्लीकेशन तो स्पेशल जज के पास दे दिया लेकिन उस एप्लीकेशन का कोई तूक नहीं बनता क्योंकि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि जिसमें मैटर डिस्पोज ऑफ होने के बाद भी इस तरह से उस जज को कोई वो एप्लीकेशन दे सके और ना ही इस चीज़ का कोई लीगल पर्पज़ बनता है तो फिर उन्होंने एप्लीकेशन क्यों किया ऑबियसली टू टेरराइज एंड हरेज द जज उस जज को परेशान करने के लिए क्योंकि उस जज ने एक तो जायकवाल साहब को बाहर निकाला होगा वो प्लस एज प मिस्टर जायकवाल जो उसने पनिशमेंट दिया था वो हायर साइड में था क्लियरली लॉ में मैकेनिज़्म है कि अगर कोई डिसीजन आपके अगेंस्ट में जाता है तो आप उसमें हायर लेवल पर अपील में जा सकते हो अप टू द लेवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो आप अपील में जाना चाहिए ना कि आपने वो जज को डराना चाहिए धमकाना चाहिए तो अभी ये एडवोकेट जायकवाल ने सिर्फ एप्लीकेशन करके वहाँ तक नहीं रुके वो उन्होंने इस एप्लीकेशन को बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड किया बहुत सारे हाई रैंक ऑफिशियल्स, हाई रैंक ऑफिसर्स को फॉरवर्ड किया जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल प्राइम मिनिस्टर सेक्रेट्रिएट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ भारत बार काउंसिल ऑफ देहरादून एट्सेट्रा एट्सेट्रा तो इन लोगों को उसने फॉरवर्ड फॉरवर्ड uh, किया जो कि रियली रिक्वायर्ड नहीं था और उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर तो यहाँ पर इशू ये बनता है वेदर मेकिंग सच एन एप्लीकेशन बाय एन एडवोकेट आफ्टर द मैटर इज़ डिस्पोज ऑफ बाय द जज मेकिंग इम्प्यूटेशन और चार्जेस एंड थ्रेटनिंग अ जज अमाउंट्स टू कंटेम ऑफ कोर्ट इसका मतलब कि इस तरह के एप्लीकेशन करना वो मैटर डिस्पोज ऑफ होने के बाद भी उस जज के ऊपर चार्जेस लगाना उसको डराना धमकाना क्या ये ऑफ कोर्ट है, तो ये मैटर को देखते हुए अलाहाबाद हाई कोर्ट ने कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग एडवोकेट के अगेंस्ट शुरू किया तो अभी अलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया जो एलडी जायकवाल है उनको सेक्शन टू सी वन जो कि क्रिमिनल कंटेंप्ट का सेक्शन है अंडर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 उसमें एडवोकेट को गिल्टी माना और एडवोकेट को पूरी तरह से सुनने के बाद हाईकोर्ट ने जजमेंट पास किया जिसमें उसने एडवोकेट जायकवाल को एक हफ्ते का सिंपल इम्प्रिजनमेंट विथ फाइन ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड इम्पोज किया उस जजमेंट में उन्होंने और लिखा कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट टू अंडर गो फर्दर टर्म ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ वन वीक सो एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ अलाहाबाद हाईकोर्ट एडवोकेट एल डी जायकवाड़ मेल एंड अपील टू सुप्रीम कोर्ट तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में नाउ सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया उन्होंने ऑब्जर्व किया जो अपीलेंट एडवोकेट है उन्होंने हाई कोर्ट में कोई अपोलॉजी तो टेंडर नहीं की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बताया था कि हाँ मैंने जो किया मैं दुखी हूँ उस बात से ही एक्सप्रेसड हिज सोरो बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने बोला कि ही हैड लॉस्ट इज मेंटल बैलेंस मतलब मैं अपना मानसिक संतुलन खो चुका था उस समय जब मैंने वो लेटर लिखा उस समय लेकिन सुप्रीम कोर्ट वॉज रिलेक्टन टू हियरिंग तो उसके ऊपर जो एडवोकेट जायकवाल है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से तीन हफ्ते का समय मांगा कि आप मुझे तीन हफ्ते का समय दो मैं जो वो स्पेशल जज थे उनसे अपोलॉजी मांग लूँगा आई विल रेंडर एन अपोलॉजी टू द स्पेशल जज तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला विल गिव यू थ्री वीक्स टाइम टू रेंडर एंड अपोलॉजी अकॉर्डिंगली जो एल डी जायकवाल थे वो स्पेशल जज के पास गए और उनको उन्होंने एक रिटर्न अपोलॉजी सबमिट की उसमें उन्होंने लिखा था कि वो अपोलॉजाइज कर रहे हैं एज डायरेक्टेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसलिए मैं अपोलॉजी कर रहा हूँ सरकमस्टांसेस क्या दिखा रहे यहाँ पे कि क्लीन अपोलॉजी नहीं दे रहे हैं वहाँ पे बोल रहे हैं बिकॉज मुझे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है इसलिए मैं यहाँ की अपोलॉजी मांग रहा हूँ तो so, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया सर्कमस्टांसिस क्लियरली शोड दैट ही वॉज नॉट सॉरी एंड इट वॉज जस्ट अ पेपर अपोलॉजी एक्सप्रेशन ऑफ सॉरी कम फ्रॉम इज पेन एंड नॉट फ्रॉम इज हार्ट मतलब सॉरी बोलना एक बात होती है और सॉरी को फील करना एक दूसरी बात होती है तो इन सब बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओपनिंग जजमेंट के ओपनिंग रिमार्क में नीचे दी हुई बातें लिखी सुप्रीम कोर्ट डो नॉट थिंक दैट मेयरली बिकॉज द अपीलेंट हैजेंडर्ड हिज अपोलॉजी वी शुड सेट असाइड देंटेंस एंड अलाउ हिम टू गो अनपनिश्ड सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि जस्ट बिकॉज एल डी जायकवाल ने अपोलॉजी दिए है तो सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं लगता कि उन्होंने वो सेंटेंस वेव करके उनको छोड़ देना चाहिए अदरवाइज़ all that a person wanting to intimidate a judge by making a grossest imputation against him has to do is to go ahead and scandalize him and later tender a formal and empty apology which will cost practically nothing to him matlab मतलब ki otherwise kya hoga ki koi bhi kisi bhi judge ko intimidate करेगा उनको threaten करेगा उनके अगेंस्ट में remark pass करेगा और just एक apology submit सबमिट कर देगा जिसके लिए तो उसको कोई कॉस्ट लगनी है नहीं उसके आगे सुप्रीम कोर्ट बोलता है

इट विल बी राधर डिफिकल्ट फॉर एनी मेबर ऑफ बार हु केयर फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट टू जॉइन जुडिशियरी इफ दे आर एक्सपेक्टेड टू पे सच प्राइस फॉर इट मतलब कि कोई भी ऑनेस्ट इंसान को बार जॉइन करने में डिफ़िकल्टी होगी अगर उसके उसको ये सब फेस करना पड़े एंड नो सिटिंग जज विल फील फ्री टू डिसाइड ऑन एनी मैटर एज पर डिटेक्ट ऑफ इस कॉन्शियस

इफ़ द सिचुएशन वेल टू बी कंटिन्यूड एडवोकेट्स हु कैन काउ डाउन द जजेस एंड मेक दैम फॉल इन लाइन विद दर विशेष बाई थ्रीट ऑफ कैरेक्टर एसोसिएशन एंड परसिक्यूशन विल वी प्रिफर्ड बाई लिटिगंस टू एडवोकेट्स हु आर माइंडफुल ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स एंड बिलीव इन मेनटेनिंग द डेकोरम ऑफ द कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि अगर ये सब चलता रहा तो जो एडवोकेट्स जजेस को डरा धमका कर अपनी विश बनवा लेते हैं तो जो लिटिगेंट है वो उनको प्रीफर करेंगे ना कि उन एडवोकेट्स को जो अपने इथिक्स के बेस पे केसेस लड़ते हैं सो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट हाई कोर्ट वॉज देयर फॉर जस्टिफाइड इन इम्पोजिंग अ सब्सटेंटिव सेंटेंस एंड सेंटेंस टू इम्पोज कैनॉट बी सेड टू बी एक्सेसिव और आउट ऑफ प्रपोर्शन एंड द अपील इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो परफेक्ट दिया है और उन्होंने जो सजा दी है वो भी सही है वो एक्सेसिव नहीं है और आउट ऑफ प्रपोर्शन नहीं है और जो एल डी जायकवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था वो अपील उन्होंने डिसमिस कर दी है आई होप फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो से आपको एक केस समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी थैंक्स फॉर लर्निंग माई डियर फ्रेंड्स ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू